होने तक आह को बादले का दिन करीब आ गया। पागलों में कंफ्यूजन बढ़ने लगी। कोई हिंदुस्तान भेजे जाने पर खुश था, तो कोई अपने दोस्तों से बिछड़ने पर अफसुदा। और बिंदर सिंह की एक ही तकरार थी। तो बटेक सिंह किथे आ? किथे आ? तो बटेक सिंह किथे आ? कहानियां तुझे ढूंढ रही हैं।
अब्बू को जवान बड़ा छैल छबीला, साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बाका रहने का उसे बहुत शौक था। नीति एक दिन अब्बू को तांगे पर ही मिली थी, फिर कुछ दिन बाद उन दोनों का निकाह हो गया और कुछ ही दिन बाद अब्बू मर गया। नीति हौसले वाली औरत थी, उसने जैसे तैसे करके सबर कर ही लिया। फिर उसने एक दिन फैसला किया कि क्यों ना वो तांगा खुद जोन दे। उसके दिमाग ने कई बहाने दिए, मगर उसने सोचा कि औरतें तो हर काम कर लेती हैं, तो तांगा क्यों नहीं जोत सकती। और फिर एक दिन कमेटी वालों ने उसका लाइसेंस जब्त कर दिया। माशरा औरत को कोठा चलाने की इजाजत तो देता है, पर तांगा चलाने की नहीं। वो दर हकीकत इनकलाब पसंद था, इसके ये मानी नहीं कि वो किसी सल्तनत का तख्ता उलटने के दर से था।
और ना ही वो दीगर इंकलाब पसंदों की तरह चौराहों में बम फेंक कर दहशतगर्दी फैलाना चाहता था। लोग इसे पागल कहते हैं। पागल? हाँ, मैं पागल हूँ। शहर का बच्चा बच्चा मुझे पागल के नाम से जानता है। हाँ, मैं पागल हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इंकलाब पसंद हूँ। इंकलाब पसंद। इंसानियत एक दिल है और हर शख्स के पहलों में एक ही दिल पाया जाता है। अगर तुम्हारे ये बूट किसी गरीब मजदूरों के नंगे सीनों पर धक्का लगाते हैं, अगर तुम अपने शहवानी जज्बात की भड़कती हुई आग को अपने हमसाया नादान लड़की की इस बदरी से ठंडी करते हो, अगर तुम्हारा दिल एक काजल के मनिन से आए तो ये तुम्हारा कसूर नहीं। वाना है माशा थी, कुछ ऐसे तबर इस्तेमाल कर दिया गया है कि इसकी हर छत अपने हमसाया छत को दुबाए हुए है और एक दूसरी ईंट को। एक जमाना आएगा। मैं पागल नहीं हूं। मुझे अपना एक वकील समझो जो बगैर किसी उम्मीद के तुम सबकी वकालत कर रहा है। हाँ, अगर अब भी तुम लोग मुझे पागल कहते हो तो हाँ मैं हूँ पागल, जो बस अपनी ही दुनिया में गुम है, जो बस अपनी ही दुनिया में गुम है। पागलखाना ये है पागलखाना। तुम सब पागल हो तुम सब। चली जाए, न जाने कब इस लानत से आपकी जान छूटेगी।
पहचान, खुद को पहचान। तो कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? सब मुझे सादिक हसन मंटो या फिर फौज निगार की हैसियत से जानते हैं। मैं हमेशा इस सोच में घूम रहा हूं कि मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या मुसर्रफ है, आखिर ये फौज निगार है कौन? कौन? मैंने उसको देखा है उजली उजली सड़कों पर एक गर्द भरी हैरानी में फैलती भीड़ के औंधे औंधे कटोरों की तुगयानी में जब वो खाली बोतल फेंक के कहता है दुनिया बदसूरती है दुनिया इसको घूरती है शोर सलासल बनकर गूंजने लगता है अंगारों भरी आंखों में ये तुंद सवाल कौन है ये जिसने अपनी बहकी बहकी सांसों का जाल बामे जमा पर फेंका है कौन है जो बल खाते जमीरों के पुरपेच धुंधलकों में रूहों के अफरीत कदों के जहर अंदोज महलकों में ये आया है यूं बिन पूछे अपने आप ऐनक के बर्फीले शीशों से छनती नजरों की चा कलम कहते हैं
पर मैं तख्ता स्याह पर काली चाक से नहीं लिखता, सफेद चाक इस्तेमाल करता हूँ ताकि तख्ता स्याह की स्याही और भी नुमाया हो जाए। मैं इन आंखों को तो बंद कर लूंगा पर इस जमीर का क्या करूं। मंटो जिंदाबाद, मंटो जिंदाबाद, मंटो जिंदाबाद। यहां सादत हसन मंटो दफन है, उसके सीने में फने अफसाना निगारी के कई असरारो रमूस दफन। वो अब भी मनो मट्टी तले ये सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा।